आज है 15 जनवरी, बहुत लोग आज मकर संक्रांति मना रहे होंगे, तो हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं आ चुकी हूँ ससुराल में, और आज सुबह सुबह बन रहा है आलू चप, वो भी चूल्हे में। चूल्हे के आलू चप का मजा ही कुछ और है। कब उठी नीनू? नीनू इधर देखो, क्या देख रही है? देखो इधर, दाना नहीं खा रहा चिड़िया, दाना नहीं खा रहा है नीनू, दाना नहीं खा रहा चिड़िया। उड़ गया, कहाँ सोया था वो? अपना घर में सोया था। हाँ चिड़िया को बोलो खाना खाए, देखना इधर चूल्हा है, दाना खाई दाना। तो ये देखिए हमारे घर में जो लगा हुआ है, ये नारियल का पेड़ है, नारियल भी फलता है कभी कभी, इस साल नहीं हुआ था एक भी। और ये देखिए छत से पूरा मेला दिखाई दे रहा है, इस छत के पीछे साइड एक बड़ा सा मैदान है, मैंने आपको कभी बताया था, मेरा वीडियो देखते होंगे तो, हाई स्कूल फील्ड है, तो यहाँ पे झूला उला पूरा लगा हुआ था। और ये देखिए ये हमारा पूरा, ये पूरा बगीचा हम ही लोगों का है, केला नारियल आम संतरा लीची सब लगा हुआ है, उधर कुछ कुछ और भी चीज़ें लगी हुई हैं जैसे धनिया पालक वगैरह। और चिड़ियों की चहचहाहट सुन सुन के मैं अपना नाश्ता बना रही थी, और नीनू मुझसे बातें कर रही थी बहुत प्यारी प्यारी। तो मेरे बाल ऐसे हैं क्योंकि मैंने हेयर पैक लगाया हुआ है, एलोवेरा जेल और दूध का कंडीशनिंग के लिए अपने सर में, तो मैंने लगा के छोड़ दिया था। मैंने सोचा नाश्ता, मैं नहा चुकी हूँ बट नाश्ता वास्ता बना के मैं सर धो दूँगी। और देखिए इधर मेरी सासू माँ कुछ कुछ काम कर रही हैं अपना। तो ये बाहर जो है ना एक ओपन किचन है, ये मेरे बड़े जेठ ने बनाया है अपने लिए स्पेशल, तो यहाँ प्याज लहसुन इस गैस में कुछ भी नहीं बनता है, ये बाहर है उन्होंने अलग से बनवाया है, और हमारा किचन जो है वो अंदर भी है। और ये देखिए ये मेरी भांजी और मेरी सासू माँ दोनों टमाटर की चटनी पीसने के लिए जो है लहसुन छील रहे हैं और ये काट वाट रहे हैं। बहुत ही सुंदर बगीचा। बाहर खुले हवा में बैठ के, पेड़ पौधों के साथ बैठ के, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद हम लोग वहाँ रहते हैं, तो राजगीर में तो खैर धूप भी नहीं निकलती है, नहीं निकल रही थी, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अगल बगल बहुत सारे मतलब लोग थे, तो मैं उनसे बात कर करके आराम से बना रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए हमारे घर में ये 4 चिड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, चहचहा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। और यहीं पे धूप में ही बैठ के सब कोई, मेरे भांजा भांजी लोग नाश्ता कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और मेरी सासू माँ सबको उठा बना मतलब निकाल निकाल के दे रही थी, मैं बैठ के बना रही थी। तो चूल्हे में बनाना भी कभी कभार ना बहुत अच्छा लगता है, मैंने खुद ही मैंने सोचा कि चलो चूल्हे में बैठ के बनाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ठंड भी थी और अच्छा भी नहीं लगता, कंजेस्टेड हो जाता है। और बाहर आराम से बैठ के फैल के चूल्हे के
गरम गरम मतलब हवा गरम गरम जो गर्माहट मिल रही थी, तुरंत नहा के आई थी तो हल्का हल्का ठंड लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के सबके साथ बात करते करते, बहुत सुकून मिल रहा था। तो मीनू भी अपना नाश्ता करने, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था पूरा। तो ये सब नाश्ता पानी करने के बाद हमें फिर घूमने भी जाना था क्योंकि मेला लगी हुई, मेला तो है अभी मतलब कुछ दिन तक रहेगी, लेकिन बस हम आज रुकने वाले हैं, कल हमें जाना है पुरी, जगन्नाथ पुरी मंदिर दर्शन के लिए जाना है। तो आज ही रात को हमारी ट्रेन है, तो आज रात को ही हम निकल जाएंगे। तो हम सोच रहे थे फटाफट अपना काम वाम ख़त्म करें तो थोड़ा सेकेंड हाफ घूम लेंगे उसके। तो ये देखिए हम मेला घूमने आए हैं, मेला की ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि ऐसे इधर उधर हो के बिजी हो गए फिर हम लोग। तो ऐसे ही मेला में कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, बहुत सारी दुकानें खुली थी, शूटिंग तो नहीं हो पाई, देखिए फिर भी आपको दिखाई दे रही होगी बहुत सारी दुकानें थी। एक्चुअली कुछ थी मीनू देखिए लेज मस्त खा रही है, ठंड यहाँ पे उतनी नहीं है जितनी राजगीर में थी। तो यही मेला वेला इंजॉय किया, कुछ कुछ हमने ख़रीदा और फिर घर चले आए। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया, ईयर रिंग्स वगैरह ही कुछ कुछ लिया। और ये देखिए बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, चार पांच जगह थोड़ी थोड़ी दुकानें लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।